क्या है नेशनल हेराल्ड केस जिसमें फंस गए सोनिया और राहुल गांधी? 791 करोड़ के अलावा ईडी ने और क्या क्या खोज निकाला? तिहाड़ जेल में तय होगी राहुल और सोनिया गांधी की बैठक। ईडी ने गृह मंत्री अमित शाह की टेबल पर भेज दी फाइनल रिपोर्ट। 791 करोड़ की अवैध संपत्ति में राहुल और सोनिया गांधी का नाम सबसे ऊपर। चुनाव से पहले क्या मोदी भेजना चाहते हैं जेल? शायद पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरा मामला 200 करोड़ का है, लेकिन 791 करोड़ की संपत्ति को जब्त करके ईडी ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। आजादी के बाद पहली बार राहुल और सोनिया गांधी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। इसकी शुरुआत तो एक साल पहले हो गई थी जब सोनिया गांधी को ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया था। लेकिन सवाल यह है कि राहुल और सोनिया गांधी को तिहाड़ जेल की किस बैरक में बंद किया जाएगा? ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें सबसे बड़े आरोपी राहुल और सोनिया गांधी हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए मोदी शाह गांधी परिवार को जेल में डालना चाहते हैं। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहली आखिरी सांसें गिन रही है। अरविंद केजरीवाल को भी कभी भी जेल हो सकती है। लेकिन जिस नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल और सोनिया गांधी फंसे हैं, जिस आरोप में राहुल और सोनिया गांधी को तिहाड़ की जेल में बंद करने की बात की जा रही है, पहले उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको ईडी को उस कार्रवाई के बारे में बताएंगे जिसकी फाइनल रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह की टेबल तक पहुंच चुकी है। साल 1937 में द एसोसिएटेड नाम से कंपनी बनाई गई थी। इसके निवेशकों में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू समेत 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कंपनी के द्वारा नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबारों का प्रकाशन किया जाता था। लेकिन समय के साथ ये कंपनी घाटे में चली गई और कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनी घाटे में ही जाती रही। असली खेल 2009 में कांग्रेस की लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद शुरू हुआ। राहुल और सोनिया गांधी ने ऐसा दिमाग लगाया कि जानकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। साल 2010 में एक और कंपनी बनाई गई जिसका नाम यंग इंडिया रखा गया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास हैं और 12% शेयर मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। इस नई कंपनी यंग इंडिया को कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया। वहीं द एसोसिएट जर्नल ने भी अपना सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया और इसके बदले में यंग इंडिया ने द एसोसिएट जर्नल को महज 50 लाख रुपए में खरीद लिया। ये सब कुछ राहुल और सोनिया गांधी ने बहुत ही चालाकी से करवाया, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि चोर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। दावा किया जाता है कि एसोसिएट जर्नल की संपत्ति 200 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन उसे राहुल और सोनिया गांधी ने सिर्फ 50 लाख में खरीद लिया। इस मामले को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले साल 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उठाया था। उन्होंने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को महज 50 लाख रुपए में खरीदे जाने की बात कही थी। यहीं से जांच शुरू हुई और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। इसी मामले में अब ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें 662 करोड़ रुपए की संपत्ति एजीएल की है और 90 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडिया की है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि सारी संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से हासिल किया गया था और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत फिलहाल अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। इस मामले में पहले राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद अब बहुत जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी की कार्रवाई के बाद दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार में राहुल और सोनिया गांधी को तिहाड़ जेल में बंद किया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़े आरोपी राहुल और सोनिया गांधी हैं। वैसे कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रही है। विरोधियों का कहना है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार राहुल और सोनिया गांधी को जेल में बंद करना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है और 751 करोड़ की कार्रवाई क्या सही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।